हेलो, की हाल चाल, सत श्री अकाल, नमस्ते सारा नू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज एक नया व्लॉग नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ, कुछ सोचा कि नया ट्राई करते हैं आज के दिन, क्योंकि बहुत कुछ यार सेम करता रहूँगा तो बोर भी हो जाऊँगा और तुम लोगों के लिए भी थोड़ा सा हो जाएगा कि एक ही चीज़ बार बार दिखाता रहता है। सो आई वॉज लाइक आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, सो चलते हैं कुछ करते हैं नया। तो अज के मौसम का अगर हालत अनुसार दसिया जाए तो तुम देख ही सकते हो कि मौसम कितना खराब हो, हल्के हल्के बदल होए है सारे के रही, तो हल्के हल्के बदल, हल्की हल्की हवा, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार आज का दिन की शुरुआत हुई है। तो तुम टाइम देख सकते हो, इस वक्त हो रहे हैं 3 बज रहे हैं एग्जैक्ट, तो 3 बजे के टाइम के मुताबिक हाले 6 डिग्री सेल्सियस हो रखे है, जो कि ना करते भी बहुत वधिया है, क्योंकि पहले के दिनों में बहुत ज़्यादा ही ठंड रही है और आज काफ़ी ठीक ठाक ही है। और तुम देख सकते हो एल नू अपने ही झेल मचा रही है, ये भी हिली हुई एल है। चलो कोई नहीं, हूँ जान का टाइम है अपने जॉब पर, तो जॉब ले जा रहे हैं। तो बहुत ही वधिया दिन जा रहा अज तक, अज आप उठे ही तो मैं तो पापा ने रोटी खाधी, रोटी बनाई इकट्ठे मिल के, बहुत ही मज़ेदार रहा, खाना भी बहुत शानदार बनेगा जी। तुम अगर एक बार नज़ारे लो, ये देखो किन्निया प्यारिया प्यारिया चिड़िया ने, इतों की चिड़िया इन खूबसूरत ने ना, तो खूबसूरती देख सकते हो, इन कितनी प्यारी खूबसूरती है इन्हों यार, किन्ने खूबसूरत लगते हैं। आप भी बस निकल रहे हैं, चल रही है जिंदगी फिलहाल, तो घरदियां नाल गल करिए, घरदियां नू भी टाइम देना बहुत जरूरी होंगे भाई, दुनिया के किसी भी कोने चल जाओ, कितने भी चल जाओ, जे घरदियां लई तुहाडे कोल टाइम नहीं हैगा तो दुनिया तो तुम वक्ख हो जाते हो, तो बोझ जहा आता, इसलिए घरदियां नू भी टाइम दिया करो, जो कि मैं बहुत घट दे पाँगा। मैं बहुत बुरा लगता कि मैं घरदियां नू नहीं टाइम दे पाता, कि घर फोन नहीं करता, बहुत घट, तो मैनू गालां भी आनियां ही पैंदियां, भरा तू कित भी चल जाओ, कित भी, जब तक तू घरदियां को कहते हैं ना कि जब तक तू घरदियां दी गालां ना ना पे, बंदा सूत नहीं हुंदा, वह सही गल है। तुम गलतियां करते रहोगे ना, जब तक तू कोई टोकेगा ना तुहाडे घर दा, तुहाडा अपना ही तुहानू टोकेगा, जब तक तू कोई अपना नहीं टोकेगा तुम सुधरोगे नहीं। तो सुधरने लिए गलतियां कर, गलतियां तो आप हर एक इंसान करता, जब तक सू गलतियां का एहसास दिलाने वाला नहीं होएगा तो सू पता नहीं लगेगा, तो ही घर वाले बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बनाए रखो, उन्होंने फोन फान कराया करो जिते भी हो, तुम दुनिया के घर भी हो, घर मिल के बैठा करो। मैं बहुत मिस करता हूँ यार घरदियां, काश थोड़ा टाइम होर दे दिता, बेली पंती नालों ज़्यादा मगर मैं घरदियां नाल रहिंदा तो शायद कुछ होर गलबात होंगी। बाकी कोई नहीं, हूँ जब वापस जावे वेली बंदी घट करांगे, मजे ज्यादा लवांगे। मैं देखे कहता हल्ले उ बस खड़ी ही, तो मैं सोचा दौड़ के जावा, पर बस दौड़ ही गई, दौड़ती बड़ी इतने बसा तो की करिए, हाथ ही नहीं आती। होप तुहानू भी वधिया लग रहे होने मेरे व्लॉग्स, जब व्लॉग वधिया लग रहे तुहानू पता की करना, लाइक करना है, सबसक्राइब करना है, कमेंट करना है। बड़ा हो गया यार हैजीटेशन लोगों सामने, तो डर डर के रहना, डर मरे तो किसी का ना जी, बिल्कुल नहीं, दुनिया भी अगे अगे वधे कदिए, आप क्यों ना अगे वधिए, जो हमने आप डर के रह गए तो डर के रह गए, फिर घर के अंदर ही डर हो। तो गाइस वेलकम, स्वागत है तुम लोगों का टाउन में, और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये, एक तो इतने खूबसूरत बादल हो रखे हैं ना, मौसम भले ही ख़राब है बट ऐसा मौसम मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है ना, इसी मौसम के अंदर घूमने फिरने का जो मज़ा आता है। जो तो इंडिया के बच्चा ना मैं, तो आप करते ही गेड़ियाँ लगाते ही, हाँ यूजली गेड़ियाँ ही कहते हैं, तो गेड़ियाँ लगाते इस टाइम इन्ना ज़्यादा मज़ा आता है ना, कि वह मतलब इन्ना स्वाद आता ही उस चीज़ का, अपना ही अलग ही टेंशन होता उस चीज़ से। गड्डियां आप मतलब मेरे को होंगी एक्टिवा, एक्टिवा च आप यारा दोस्तों ने कट्ठे जाना, इदा घूमना फिरना, यहोजे मौसम शाम के मौके का, वो
क्या अलग ही मजे होंगे जी वे वही सारी चीज़ा मिस हूँ हूँ काश इंडिया हों तो फिर गेड़िया लाने का मज़ा आता इतने ये है कि इतने रूल में फॉलो करना पैदा जब तक तुहाडे कोल लाइसेंस नहीं है भाजी तुम कुछ नहीं कर सकते मतलब बड़ा ही औखा इतने तो रूल फॉलो करोगे तो तुम सैकल ही चला सकते हो उस तो बाद कुछ नहीं बाकी हाले प्रोविजनल लाइसेंस का मैं देखा तो मेरा वो आ गया है तो एक हों ई स्कूटर तो वह चला सकता मैं पर भी पैसे देने पैने हैं बाकी कोई नहीं चलावे वह भी तुम भी वीडियो बना के दसा बहुत जल्दी सारा कुछ वजिए हो जाएगा बाकी भरा इतने है तुम दिखा देखने मिले कदा तो मैं एक चीज़ की बड़ी खुशी होंगी है ये देख के कि ऑक्सफोर्ड के अंदर इकलौता मैं ही है इंडिया का कि जरा तुम यह सारी चीज़ा दिखा दिया क्योंकि मैं जिन्ना भी कोशिश किया यूट्यूब उत्ते देखने का तुम कोई इदा का दिखा नहीं मिलेगा कि टाउन के हो रहा है कितने की हो रहा है मैं ही है जरा इस वक्त दिखाने की कोशिश करता तो डेली तो डेली तो नहीं बट कद ना तो कदम तुम जी मिल जाती हफ्ते दो तीन वीडियो वो दिखा मिल जाती है तो मैं दिखाता रहना और काफ़ी वधिया लगता मैं यार तुम ये चीज़ा दिखाई है तुम भी मजे आते हैं बाकी बहुत खूबसूरत मौसम हो रखे दा यार चेक करो एक बार कितनी खूबसूरती है यार ये तुहाडा भरा कल्ला ही निकले दा है दुनियादारी विच सारे एक दूजे के नाल है तुहाडा भरा कलम कल्ला ही निकलेगा इस दुनियादारी लई तो कल्ले कल्ले अगे वधना है जदों अगे अगे जाके सारा कुछ वधिया हो जाना है तो तुहाडे भरा ने होर वधिया हो जाना तुहाडे भरा दी टीम भी जदों होएगी अगे जाके इन फ्यूचर खुदा करे जल्दी जल्दी बड़ी सारी चीज़ा मुकम्मल होन जितने जितने चीज़ा मिलेगी ना उदा उदा होर वधिया चीज़ा होंदी रहनी तुहाडे लई भी हुण एक वारी एक लुक देखो भैया जिथों आए आप तो मैं सुनिया हीगा कहंदे लोकी कहंदे है कि जिहड़ा पैहा हुंदा ना वह हाथ की मैल हुंदा ठीक है नी ए देश जिहड़ा हैगा वह इन्ना साफ हैगा इन्ना साफ सुथरा हैगा हाथां च मैल ही नहीं जमदी हैगी ना पैहा टिकदा हाथ च पैहा ही नहीं आता है तो कहावत है कि पैहा हाथ की मैल है तो बट मैल टिकदी नहीं हाथ च तो पैहा सुहा आना गाइस हाले मैं एक चीज़ देखी थे देखो चॉकलेट एंड कैरेमल की किन्ने का है 39.95 ना ना करते भी 4000 के लागे छागे का केक है भाई इन्ना छोटा जहा इन्ना छोटा जे इन्ना ही कुछ होंगे अपने इंडिया के अगर वो तो वो भी एक रेट पाउंड है तो सू मैक्सीम भी करते 100 रुपये तक का मिल जाना 100-150-200 तक का इन्ना महंगा 4000 का कन्ना हाथ लाए भरा ना ही खरीदो इधर की चीज़ा इधर की चीज़ा देखने सोहनिया लगदी हैं पर खरीदन नहीं ये तो सच है भाई बिल्कुल खरा सोना सच मौसम बहुत शानदार हो गया ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिस करके इदा फील हो रहा है कि भाई टैंपरेचर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहा है और ये देखो बदल अपनी धुन के तुरी फिरता है पतंदर वो पतंदरा वो ये कौन रख गया इतने वो खा लो जिन्हें खानी है फ्री भी हैगी है चलो हजे चलिए अंदर थोड़ा बहुत अपने मन भी सैट करिए दिल भी लाइए तो काम शुरू करिए बाकी मिलता थानू मैं शिफ्ट खत्म होने तो बाद रात दे वेले सो गाइस अभी छुट्टी हो गई है और घर से कह रहा हूँ काम से वापस आ रहा हूँ और मेरे नाल एक बहुत ही तगड़ा ना कलोल हो गया है इदा मैं यूजली आना हूँ 10 नंबर बस से तो 10 नंबर बस जी हैगी है वो ऐ जगह तो घूम के वापस मेरी जगह पर जाती है तो मैं अज बैठा है 5 नंबर बस से जो मैनू इतें लुआ गई मेरे घर तो दूर उतों की बरखा लगी दी है तो चक्कर गोल ही हो गया था सारा ही हूँ घर चलने भाई बरखा लगी दी बहुत ज़्यादा गिले हो जाने बेमतलब ही अज ना मैं छतरी लैके आया ना कुछ लैके आया मेरे ना इन्ना गंदे गंदे मजाक होंगे ना ये जिंदगी में ना देख हल्ले मरन लगा ही मैं जिंदगी में ना इन्ने गंदे गंदे मजाक कर दी है कि मैं मजाक करने का मौका ही नहीं मिलता भाई चलो ठीक है कोई गल नहीं भाई की करिए आप भी हो देखो किधर किधर तुरी फिरदा पतंदर एक है पतंदर जिहड़ा काम तो आया फोन च इन्ना मजे मगन होया था ही मैं पता नहीं की गाने सुनने ते इन्ने बिजी होया था मैं उत्थे उतरना ही ओ जगह ते उतरना ही मैं ओ किथे परे मरिया मैं जाके इत्थे 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 आके रोके आंदा की जांदा मेरा फोन च व्यस्त ही मैं फोन 24 घंटे फोन सुभान अल्लाह देखो
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹੀ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਖਿਲਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਧੂੰਆਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏ ਦਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ, ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਮੁਸਕਾਨ ਬਣੀ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਓਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।